ये हम कल पहनने वाले हैं। किस इवेंट में जा रही हो वो ब्लॉग के एंड में आपको पता चलेगा। मेरा स्किन केयर का जो मैक्सिमम रूटीन है वो ये है। मैं घर जा रही हूँ। एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह हो गई है, मैंने नहा लिया है। आज हम लोग लेट उठे हैं। मैं एक्चुअली सुबह उठी थी 7 बजे और शिवन्या को भी उठाने की बहुत कोशिश की थी, वो उठी नहीं। आई वे हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सारे बच्चे, जितने मुझे पता है बच्चे ज्यादा मेरे व्लॉग देखते हैं, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज चिल्ड्रंस डे, आज शिवन्या स्कूल ही नहीं गई है, तो बस बहुत दिनों के बाद आपको मेरे व्लॉग की भी रौनक मिलेगी। मम्मी पापा आ गए हैं फाइनली वापस, अब आपको माँ पापा भी देखने को मिलेंगे। उनके बिना ना से बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता था। तो एनी विच वे सुबह हो गई। आज सुबह मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि बस इधर उधर ऐसे ही बिजी थे। तो बस अभी अपना रूम वून बेड वेड थोड़ा सा ठीक किया है। साहिल गया नीचे पॉपकॉर्न को लेकर और शिवन्या भी फ्रेश हो गई है। शिवन्या बैठी है दादी के पास, सभी फ्रेश हो गए, सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया सिवाय साहिल के। तो बस अभी आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो बताती हूँ आपको, साथ में मम्मा से भी मिलवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलो कपड़े देखेगी मम्मी से। हाय एवरीवन, सबने आपको बहुत मिस किया। मेरे को बड़े डीएम आए थे कि भाई आपकी मम्मी कहाँ है। हाय एवरीवन, सब ठीक ठाक होंगे? ठीक ठाक हूँ मैं। फाइनली मम्मी वापस आ गई तीर्थ करके। सो ये है हमारी दूसरी रौनक, हमारी छोटी रौनक, हमारी ये है हमारी रौनक। रोनकू 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 मेला। टकाई नहीं है इसको, एक सेकंड भी टकाई नहीं है। और गाइस इतने कपड़े हो गए थे ना धुलने के लिए कसम से। वो देखो पूरा बालकनी जो है वो भर गई है। और पता है मेरे से मशीन लगी नहीं रही थी, मम्मा आई, मम्मी ने हाथ ही पता नहीं क्या जादुई हाथ लगाए, मशीन लग पड़ी, मशीन शुरू हो गई एकदम से। हाँ इधर मैं कृष्णा हूँ ना, आप राधा रानी हो, ठीक है? सुन लिया, ये कृष्णा है, मैं राधा रानी। मम्मा ने अभी कंघी करनी है, मम्मा ने रेडी होना है अभी। नहीं हो तो कुछ कर दे। ये देखो कपड़े जड़े तुलने आस्ते, तो ये ले आंदे देना मम्मी ने। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 12 बजे। और गाइस आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि नेहा आपकी स्किन केयर क्या है। मेरा स्किन केयर का जो मैक्सिमम रूटीन है वो ये है, बताती हूँ आपको। इट्स नॉट अ मेकअप फिक्सर। पहले ये देखो कौन आया, ये देखो कौन आया, ये देखो हमारे घर का एक और मेंबर। कल इसकी ना खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब कल ये साहिल के पास भी नहीं जा रही थी। पापा बोल, पापा है ना, ऐसे पापा से चिपकी है ये। साहिल एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास ये हमेशा चली जाती है बिना कुछ सोचे समझे। बट नौटंकी। ओके, तो मैं बात कर रही थी इसकी। इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, इसमें मैंने ऐड किया है राइस वाटर और गुलाब जल, जिसको मैं सुबह उठ के हमेशा फेस वॉश करके अपने फेस पे लगा देती हूँ और रात को सोने से पहले फेस वॉश करती हूँ। Just like this. मुझे ना मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, मुझे कभी एक भी होती नहीं है, बट यहाँ पे मुझे हो गई है, पता नहीं कैसे है। मेरी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है, मतलब मुझे नहीं होती है, बट लेट्स सी। गाइस ये देखो, मुझे कल एक फंक्शन पे जाना है जिसके लिए मम्मा ने मुझे ये ज्वेलरी निकाल के दी है। मैं आपको खोल के बताती हूँ। हाँ जी, ये आप ही नहीं दिया था पिकू को? खोल जा, ये देखो मैंने खोल दिया, खुल नहीं रहा था मुझसे। जिसमें है ये कड़े, ये मैं कल पहनने वाली हूँ। किस इवेंट में जा रही हूँ वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। ये है कड़े, बहुत सुंदर कड़े है ना, क्योंकि साड़ी में भी ना कहीं ब्लैक और ये है, तो इसके साथ ये वाले कड़े बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, खिल के आएंगे वाले कड़े। और साथ में इसके साथ हम पहनने वाले हैं ये वाली रिंग, जो कि बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें भी ब्लैक और मरून वाला वर्कआउट है, वर्क किया हुआ है उसमें। ये देखो बिल्कुल सेम जा रही है। सो ये पहनेंगे और साथ में हम इसके साथ वियर कर रहे हैं ये कान्हा वाला सेट, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देख रहे हो आप, ये हैं इसके झुमके, बहुत प्रिटी हैं,
मुझे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये वाला सेट ना, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये है इसका गले वाला, ये देखो ये गले पे आएगा, और बाकी ये हम कल पहनने वाले हैं। किस इवेंट में जा रही हो वो ब्लॉग के एंड में आपको पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली हमारी हो रही है तैयारी जाने की, साहिल की तो कोई तैयारी होती नहीं है ज्यादा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि हमें कल ही निकलना है कश्मीर के लिए, और मैंने बता दिया है हमें कश्मीर के लिए निकलना है, और क्यों निकलना है, हम दो दिन के लिए क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको ब्लॉग के अब एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ तैयारी, मैंने पार्लर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मुझे अपने आईब्रो करने हैं, और मैंने ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया था, मैंने अमेजोन से मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इमरजेंसी में हम लोग ये यूज कर सकते हैं अपनी थ्रेडिंग के लिए एंड ऑल। तो इसको मैं पहले अपने आईब्रो करूंगी क्योंकि मैंने करवाया ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया मैं पार्लर गई नहीं हूं, और जल्दबाजी में कहीं आईब्रो ही ना उड़ा दूं अपना। सो हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और ये है हमारा बैग जो हमें अटैची जो हमें पैक करके लेनी है, हम तीनों का सामान इसी में आएगा, और शायद एक और कोई हैंड बैग रख लूंगी साथ में, बिकॉज शिवन्या का जो छोटा मोटा सामान है जो मतलब नॉर्मली ही चाहिए होता है वो मैं उसी में रखूंगी, और इसमें हम सबके मैं अपने साहिल के और शिवन्या के हम तीनों के कपड़े रखूंगी मेरे ख्याल से। तो हाँ मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं नर्वस भी हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मिक्स फीलिंग है। एक तो बहुत देर के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो भी सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा काम है इसीलिए, अदरवाइज जाना है हम लोगों ने बट अभी नहीं, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है। तो लेट्स सी, पहले तो करते हैं अपनी पैकिंग शुरू कि शिवन्या के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सब निकालती हूँ मैं इसके कपड़े कुपड़े, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यार पूरी पैकिंग करनी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, सच में नहीं पता लग रहा है, दो दिन का प्लान है सिर्फ, लेकिन इतनी टेंशन हो रही है ना। शिवन्या के कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़े से सॉक्स वॉक्स डालनी है, अपनी एक साड़ी रख ली है जो मैंने वहां पे वियर करनी है प्रीमियर के टाइम, और पता नहीं अब साहिल आएंगे उनके कपड़े निकलेंगे तब ये है कि मैं देखूं कि मुझे कितने कपड़े रखने हैं और कितने नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपना। तो चलो अच्छी मिलते हैं। ये मेरे लिए पेटीकोट ठीक हो रहा है, मैंने ना इमा सारा कुत्ते पाऊं सही हो गया, पेटीकोट ठीक, बस ठीक है ना। हाँ बहुत प्यारी लग रही है रेड, कौन सी गाड़ी है रुचि दी? रुचि नाम बताना वोक्सवैगन की, कौन सी है गाड़ी? रुचि दी कौन सी गाड़ी है, क्या नाम है? टाइगुन, 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 ओके ओके, पार्टी ट्रीट वोक्सवैगन की टाइगुन ट्रीट ट्रीट वो सुनी नहीं रही ट्रीट पार्टी अच्छा अच्छा लेते लेते परजाई बोला जी ट्रीट मैं पार्टी पार्टी आ रहे चलो बैठो आप अंदर हाँ अच्छा देती हूँ देती हूँ। सो हम लोग ना अभी आए हैं बाहर बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था, टैंक फुल करवाना है क्योंकि कल लंबा सफर है कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिस्किट खाने पे बिस्किट खाने मम्मा अभी देती है आपको बिस्किट अभी देगी मम्मा बिस्किट छू मंतर गिली गिली हाँ नहीं अभी बिस्किट पार्ले जी ये भी खाती है तो इसको अच्छा लगता है मैरी गोल्ड भी खाती है ये तो एक सेकंड मम्मा मेरी खोल के दो मुझे मम्मा मेरा बाबू आई लव यू मम्मा आई लव यू। तो बस वही बता रही हूँ कि हम लोग टैंक फुल करवाने आए हैं क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है, अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 5 बजे के करीब टारगेट है हमारा निकलने का, बस लेट ना हो, पति देव जी लेट ना कराए
तो बस ये है कि सुबह उठेंगे और दौड़ने वाली बात करेंगे, रात को सब सामान पूरा पैक कर देना है और इतने ही तैयारी करके रखनी है ना कि सुबह इधर उधर झांकना ना पड़े हमें। और बस ये सुबह जाना है, शिवन्या को भी लेकर जाना है, ये रहेगी नहीं ना ऐसे, नहीं तो इसको छोड़ के, तो फिर हम लोग अगर इसको छोड़ के जाते तो फिर हमने एक ही दिन में अप डाउन कर लेना था, बट ये भी साथ जा रही है तो फिर एक दिन में ना ज्यादा सफर नहीं करेंगे हम, और साहिल भी नहीं एक दिन में पूरी इतना मतलब ड्राइव नहीं हो पाएगी, जाना आना नहीं कर पाते हैं। तो बस अभी कराएंगे टैंक फैंक फुल और फिर निकलेंगे सून। ये देखो भाई कल की हो रही है तैयारी, बड़ी गाड़ी का ना यही एक मतलब पॉजिटिविटी है कि पीछे पूरी बेडिंग बन जाती है आराम से ना, हम लोग आराम से पिक्कू आराम से बैठ के जा सकती है, जो कि उसने बैठना मेरी गोद में है, बट फिर भी इसका सामान भी अभी शिफ्ट करना है। अच्छा वो डिजायर में शिफ्ट कर देता हूं ना। ओके, पापा की गोल्फ किट पड़ी हुई है इसमें, ऐसे लग रहा है उधर आत्मा आ रही है। हाँ ये देखो ये है इसकी स्पेस, पूरी स्पेस में मतलब पीछे वाली गाड़ी पीछे वाली सीट इसकी अभी लिटाई हुई है, ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा स्पेस है इसमें। बेसिकली ये डिक्की है और यहाँ पे है सिटिंग, ऐसा पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये हमने सीटें किसकी फोल्ड की हुई है, अभी जो बीच वाली सीट है ना वो भी हम लोग फोल्ड कर देंगे और फिर काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाएगा ये, तो आराम से बेड बन जाएगा पूरा इसका। और मैं देखो नीचे कोट पहन के आई हूँ क्योंकि ठंड है नीचे, शाम को ठंड होती है, अभी हम लोग गए थे ना गाड़ी का टैंक फुल कराने तो उस टाइम मुझे ठंड लगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं पहना था सिवाय इसके शर्ट के। तो अभी साहिल कर रहे हैं इसका सामान शिफ्ट क्योंकि इसमें ये पापा की गाड़ी है ना, तो पापा मतलब रोज सुबह लेते हैं, पापा की गाड़ी क्या सभी है एक ही है, तो पापा गोल्फ में यही वाली गाड़ी लेते हैं या फिर इग्निस लेते हैं छोटी। तो बस अभी ये कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी है थोड़ा ट्रैवल आसान हो जाता है, साथ में बच्चा है ना उसको उठने बैठने लेटने की भी जगह चाहिए, और मुझे पता है पूरे रास्ते उसने मेरी गोदी की ना बैंड बजा देनी है, मामा मामा पास बैठना है, बट इट्स ओके मदरहुड टच वुड ब्लेस्ड। तो बस अभी कर रहे हैं हम लोग सामान शिफ्ट, थोड़ा सा देखो उधर ना फॉग हो रहा है, फॉगी हो रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बट फॉगी हो रहा है थोड़ा फॉगी। और पैकिंग मैंने कर ली है, ऑलमोस्ट कर ली, 80% पैकिंग हो गई है, बट 20% अभी भी रहती है, मतलब शिवन्या के 2-3 सूट मैंने रख लिए हैं और एक प्रीमियर में जो डालेगी वो रखा है, बाकी नॉर्मल एक डेनिम रखी है इसकी, एक नॉर्मल ट्रैक पैंट रखी है, ट्रैक सूट रखा है इसका, अभी भी 2-4 और सूट इसके एक्स्ट्रा रख लूँगी क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे का पता नहीं होता है कि कभी वॉमिट कर दे, कभी पॉटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी पानी गिरा दे, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा रखूँगी। अपने लिए मैंने 2-3 ही सूट रखूँगी क्योंकि कल जाना और परसों वापस आ जाना है, मेन है हमारे लिए प्रीमियर अटेंड करना। तो बस ये हो रही है तैयारी, कहाँ गए साहिल गाड़ी को, अच्छा वो उधर सेटिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी की। साहिल का ना ड्रेसअप देखकर ऐसा लग रहा है साहिल बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, ऊपर हुडी नीचे निकर। पुणे से वो है। ये देखो जी तैयारी हो रही है अब कल की, पूरी गाड़ी झाड़ी जा रही है, अभी गाड़ी ना पूरी साफ करवाई थी, पूरी इसकी धुलाई हुई है, सर्विसिंग हुई है पूरी अच्छे से, तो ये देखो ये बन रहा है बेड, ये बन गया हमारा बेड, मतलब बना नहीं है अभी, जस्ट स्पेस बनी है उसकी। मतलब काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाता है ये, पर यार ये जो बीच में होती है ना गड्डियां गुड्डियां, ये देखो यहां से भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा करते हैं हेल्प सेंटर में, वो साइड पे ना इसके वो बैग रख दूँ, ठीक है थोड़ा सा खींचो और ऊपर और बस परफेक्ट डन, अब ठीक है, थैंक यू वेलकम। ये बन रहा है बेड, ये देखो जी तलाइयां पड़ रही हैं नीचे, इसका कवर पता नहीं कहाँ रखा हुआ है,
चलो हम भी अपने बुद्धि देव की थोड़ी सी हेल्प करा लें। हेलो, ये आ गई जी इस पे बेडशीट। मतलब अब अच्छा बन गया है ये बेड। वेट, इसको ना इधर ऊपर करके ना इधर सिर की तरफ कर देते हैं ना फोल्ड, ताकि थोड़ा और ऊपर हो जाए सिर। दोनों तरफ से करेंगे, दोनों तरफ। ठीक है, आ जाओ। डन। ये हो गया हमारा बेड रेडी। अभी यहाँ पे हमने पिल्लोज वगैरह लाने, वो हम सुबह ही लाएंगे। ठीक है, ये है ना साथ में। इससे हम अगर आपको चाहिए हम उसको फिल कर सकते हैं रोज। किससे? नीचे से? नहीं नहीं, अरे इसको ऐसे फोल्ड करके वहां रखते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो हम बम्प सी बन जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। आप ब्लैंकेट इधर रख दो, अरे सो जाएगा। लेट के देखा मैंने, दो तीन तलाइयां डाली हैं, और क्या चाहिए। ये आ गया कंबल। मेरा मन कर रहा है मैं आज यहीं पे सो जाऊं। डन। साहिल, ये सारा बिस्तर जो है, ये सारी बेडिंग ना साहिल ने की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इनको शूट कर रही थी। ठीक है, और लेकिन बहुत अच्छा बेडिंग हुई है यहाँ पे, शिवन आराम से बैठ सकती है। मतलब लिटरली मेरा मन कर रहा है मैं अभी लेट जाऊं इधर। नहीं कल लेटना। हाँ नहीं नहीं, मैं आगे बैठूंगी, शिवन पीछे सोएगी। Okay, हम लोग ना नीचे आए थे गाड़ी में बेडिंग बनाने, और ऊपर से मम्मा का फोन आ गया। शिवन्या रो रही है, मैंने मम्मा के पास जाना है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते होंगे ना जो सोचते होंगे कि ये इसको छोड़ के भी तो जा सकती है, बट नहीं जा सकती, वो रहती नहीं है मेरे बिना। होगी प्रॉब्लम अगर कभी शुरू किया तो, बट मैं भी नहीं रह सकती उसके बिना, वो भी नहीं रह सकती है, जो सीधी सी बात है। तो बस अभी तो रोना शुरू हो गया। हम लोग सिर्फ नीचे ही गए थे, कोई 10-15 मिनट हुआ होगा हम लोगों को, बट अब मैं घर जा रही हूँ। मेरे को रहा है ना, मुझे पिक्कू रो रहा है, मामा के पास जाना है। देखना इसको, इस पैकिंग हो गई है डन। ये 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बट 2 लगेज हैं और भी बहुत सा, तो अभी कुछ गाड़ी में भी रख दिया हुआ है, कुछ सुबह हम लोग गाड़ी में रखेंगे। तो बस गाइस, ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल निहाल होत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अभी हमें सोना है, 11 बज चुके हैं और सुबह मुझे तो जल्दी उठना है 4 बजे के करीब, तो क्योंकि कोशिश होगी हमारी अर्ली मॉर्निंग ही निकले। But let's see, hope for the best, fingers crossed. Love you all, good night.